वेलकम टेक बेटा गुरु, मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट, आज हम एकदम हट के अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अगर आप एनएलटी से, नीलेट से कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, बीसीसी, ईसीसी, तमाम कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं। तो उसके संदर्भ में ये अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, जो कि मेरे पास एक मेल आया है, मैसेज बेसिकली मेरे को आया है व्हाट्सएप पे। तो उसके आधार पे मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। और ये सवाल सभी के मन में होगा, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने मुझको मैसेज किया है, तो उसके बिहार पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपका जो सर्टिफिकेट आप कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसका बेनिफिट है क्या, और क्या उसके बिहार पे आपको जॉब मिलती है कि नहीं। तो मैं उनका ही मैसेज आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर दें और जरूर शेयर कर दें, जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन हैं, जो कर रहे हैं नीलट का कोर्स या करने वाले हैं, एडमिशन लिया हुआ है, जनवरी में एग्जाम लगा हुआ है, तो सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको पता होना चाहिए बेसिकली आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है या नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप कंटिन्यू देखते रहें। यूपीपीसीएलई क्लासेस चल रही हैं, ट्रिपल सी की क्लासेस चल रही हैं, उसको देखें। ओ लेवल का जिनको कोर्स परचेस करना है वो मैसेज करें व्हाट्सएप पे। कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स, गैस पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मेरे पास मैसेज जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये मुझको प्राप्त हुआ है मैसेज, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने वीडियो बना नहीं पाया था। सर जी गुड मॉर्निंग, मुझे आपसे कुछ पूछना था, मैं बहुत परेशान हूं और कोई बताने वाला भी नहीं है, ठीक है। ओ लेवल करने के बाद जॉब रियली में लगती, मतलब कि लग जाती है या मिल जाती है, और कोई और क्वालिफिकेशन की नीड होती नहीं होती है या होती है, तो कुछ स्पेशल स्किल की क्या जरूरत होती है। तो देखिए, मैंने इनको बोला था ओ लेवल करने के बाद जॉब और प्लेसमेंट नहीं मिलती है, एक वीडियो बना देंगे डिटेल में। तो ये वीडियो है, इसी के लिए डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चंस होंगे। तो देख सकते हैं, इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात की कि हमको ओ लेवल जब हम कर रहे हैं या ए लेवल कर रहे हैं, दोनों को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही ऐसे कोर्स हैं और हम दोनों कोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो क्या इसको हम कर रहे हैं, क्या इसके साथ हमको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तब हमको जॉब मिलेगी, या फिर कुछ स्पेशल स्किल्स, यानी कि कुछ स्किल्स होते हैं जैसे कि पीएचपी हो गया आपका, कोई लैंग्वेजेस होती हैं स्किल्स हो गए, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आपका पाइथन हो गया, आईओटी हो गया, या अलग से कुछ इंटरनेट नेटवर्किंग वगैरह हो गया, तो अलग स्किल्स इन्होंने पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर पूछा गया है, क्या जॉब लग जाती है। तो देखिए, अगर आप कोई सा भी सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, जो कि अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत होता है, अगर देखिए ये तो आप नीलेट से कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहीं पे सबको समझा दे रहा हूँ आपको, आप नीलेट से कर रहे हैं तो ये क्या है आपका एक, देखिए अगर आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आप समझ लें, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, नीलेट से डायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है आपका, ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कहलाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट से करते हैं तो ये रेगुलर आपका कोर्स हो जाता है कि हाँ, आप रेगुलर वहाँ पर जाके क्लास ले रहे थे, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एकदम आपके इक्वल है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपको फीस हो सकता है 20,000 देनी पड़े, यहाँ पे हो सकता है आपको 5,000 में आपका वही सर्टिफिकेट क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा अंतर ये हो गया। उसके बाद देखिए, ना तो आपको डायरेक्ट में कोई प्लेसमेंट मिलता है, ना ही आप इंस्टीट्यूट करते तो वहाँ से आपको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ ये भी आप अपने घर बैठे कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। हाँ, हो सकता है डायरेक्ट अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से या ऑनलाइन डिस्टेंस से किसी से नोट्स लेके परचेज करके तैयारी कर रहे हो तो वो अच्छी चीज़ है, नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कोर्स करना बेकार है। इंस्टीट्यूट से जाते हैं तो आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि हाँ, आपको क्लासेस वगैरह, नोट्स वगैरह, लाइव वहाँ पर जो क्लासेस होती हैं प्रैक्टिकल की, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है, अंतर ये हो जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट ना आपको यहाँ से मिलता, ना प्लेसमेंट आपको यहाँ से मिलता, आपका क्या होता है एक साल के अंदर या दो साल के अंदर आपने जब भी ओ लेवल का कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबको जमा करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इशू करने तक की जिम्मेदारी होती है वो नीलेट आपका करता है। जॉब इसमें मिलेगी लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, प्लेसमेंट इसमें आपका कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी अगर आप सर्टिफिकेट मान लीजिए किसी, आपने गली मोहल्ले से भी तमाम इंस्टीट्यूट होते हैं कंप्यूटर के, वहाँ पे डीसीए, पीजी डीसीए, तमाम इस तरह का कोर्स खुले रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी अगर आप कर लेते तो कहीं आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, ठीक है,
देखिए कुछ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो कराती हैं आपको हायर करके, जैसे कि पीएचपी के कोर्स हो गए या जावा डेवलपिंग के कोर्स हो गए या एंड्रॉयड डेवलपिंग के कोर्स हो गए। ये जो कोर्स होते हैं ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, तो इसमें आपको वो जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं कि हाँ आपको कहीं हम 10,000, 12,000, 20,000 की जो भी जॉब्स होगी वो हम प्लेसमेंट के तौर पर आपको करवाएंगे। लेकिन की फीस भी आपको अच्छी खासी देनी पड़ती है, 30 से 40 हज़ार, 6 से 1 साल तक का कोर्स होता है। ठीक है, तो मैं ये आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ कि ओ लेवल करने के बाद आपको कोई प्लेसमेंट और जॉब ऑटोमेटिक नहीं मिलती कि आपने आज कोर्स कंप्लीट कर लिया 2020 में 2021 जनवरी में मान लीजिए और आपको फिर तमाम बच्चे किए बैठे हुए हैं तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी, तो ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा प्रावधान। आपको क्या करना पड़ेगा जॉब पाने के लिए, SSC, UP SSSC, ठीक है, UPSC, ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ITBP और आर्मी वगैरह की जो वैकेंसी आती हैं, SI की वैकेंसी आती हैं, ठीक है, और भी तमाम सारे बिहार में आपकी आती हैं तमाम वैकेंसी, BPSC करके झारखंड में आती हैं, MP में आती हैं, तो ये जितने भी आपके सरकारी डिपार्टमेंट हैं इसमें आपकी ओ लेवल की, ए लेवल की, CCC की, इनकी डिमांड आपकी होती है, ये सर्टिफिकेट कोर्स इसमें मांगे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोर्स आपने कर लिया, आपको जॉब नहीं मिली, तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इन, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनमें जब वैकेंसी निकलती तो आपको इनके फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं। देखिए आपने सर्टिफिकेट कर लिया लेकिन आपको फिर से और तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आप SSC करें तो वहाँ पर जो SSC का कोर्स है यानी कि मैथ रीजनिंग वो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, उसी प्रकार से UP SSSC है तो उसमें इंग्लिश हिंदी या जो GK वगैरह होगी उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें, तो सर्टिफिकेट खाली कर लेने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको गवर्नमेंट के लिए इन डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और उन डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आपकी 12th पास हो सकती है, इससे मिनिमम तो होगी नहीं, या तो 12th होगी या फिर ग्रेजुएशन होगी, तो ये दूसरे का क्वालिफिकेशन की क्या नीड होती है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, सर्टिफिकेट वाइज बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर SSSC इस तरह का कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने की आपके पास है और अगर आप 12th पास हैं तो इसमें ज़्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, SSSC + 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, UP बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो ये क्वालिफिकेशन आपके लिए मिनिमम एक MTS पोस्ट के लिए, MTS हो गया, LDC हो गया या UDC हो गया, तमाम तरह की पोस्ट होती है, डेटा एंट्री होगा, ये सारी पोस्टों के लिए आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ SSSC के साथ 12, 10+2 या फिर SSSC हो प्लस आपके पास ITI के कोई सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो ये दोनों आपका हो गया। उसके बाद अगर हम ओ लेवल की बात करें, ओ लेवल में अगर आते हैं तो इसमें भी आपका 12th चलता है प्लस ITI चलता है, ठीक है, ये दोनों अगर आपके पास हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपकी सैलरी और ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो कम से कम अगर आप ओ लेवल किए हैं तो कम से कम BA तो कर ही लें प्राइवेट, या BSc कर लें जो भी आपके पास हो, MCOM कर लें, BCOM कर लें, जो भी आपके पास हो ये आप जरूर से जरूर करें। ठीक है, तो ओ लेवल के साथ आपको जो क्वालिफिकेशन है अच्छी जॉब के लिए वो आपकी है ग्रेजुएशन, कम से कम आपका होना चाहिए ओ लेवल विद ग्रेजुएशन। ठीक है, तो और ए लेवल है तो ए लेवल के साथ विद ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, टेक्निकल में हो तो और अच्छा, जैसे कि BCA हो आपके पास या फिर MCA की डिग्री हो या फिर PGDCA हो, तो उसके साथ अगर ए लेवल करेंगे तो आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और आपको जॉब ढूंढने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, टेक्निकल मान लो BA रहेंगे खाली तो BA में कोई तो ऐसे सब्जेक्ट होता नहीं, पॉलिटिकल एजुकेशन के तमाम सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ अगर आप ओ ए लेवल करते हैं तो और किसी कंपनी में लगाते हैं तो आपको सिर्फ ओ ए लेवल के बिहार पर रखा जाता है कि आपको कोई C प्रोग्रामिंग या पाइथन का कोर्स आता है उसके बिहार पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात को समझें। बाकी अगर हम क्वालिफिकेशन के स्तर की बात करें तो आपको पता है हम ओ लेवल का जो कोर्स करते हैं उसमें हम 12th लेवल से, ITI लेवल से या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेवल से या ग्रेजुएशन लेवल से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो चार क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हमको ओ लेवल का कोर्स करना होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट जानकारी। दूसरी चीज, अब यहाँ पे पूछा गया कि हमको प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, तो नीलेट का अगर मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट, मैं आपको दिखाता हूँ प्लेसमेंट का पोर्टल है। ठीक है, वो जॉब्स आपको कैसे मिलती हैं, नीलेट आपको जॉब प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब जॉब अवेलेबल होती हैं 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर नीलेट आपको जॉब प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ओ लेवल का कोर्स कर लिया है, आपको जॉब देके ढूंढनी पड़ेगी, आप सोचें कि आपने कोर्स कर लिया और आपको जॉब मिल जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान निकाल लें कि आपने कोर्स कर लिया और आपको जॉब मिल जाएगी।
तो स्टूडेंट मैं आपको अभी एक साइट दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर नीलेट के आपने कोर्स किए हुए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च करना है, अगर आपको नीलेट के साथ जॉब करनी है, ठीक है। तो उसके साथ आपको जॉब करने के लिए देखिए ये वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, nilet.gov.in पे। इसमें एक ऑप्शन होता है प्लेसमेंट पोर्टल का। यहाँ पे प्लेसमेंट पोर्टल का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अभी कुछ साइट में एरर देख सकते हैं, यहाँ पे साइट ओपन नहीं हो रही है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, एक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें जो आपका ओ लेवल हम लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं और क्या वहाँ बन सकते हैं ओ या ए लेवल के कोर्स करते हैं। तो देखिए ओ लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप यूआई डिजाइनर का काम कर सकते हैं, यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइनर का भी आप काम कर सकते हैं। यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइनर तमाम तरह के होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर में यूजर इंटरफेस हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट में हम काम कर रहे हैं उसमें यूजर इंटरफेस हो सकता है, या कोई डेटाबेस पे काम कर रहे हैं उसमें यूजर इंटरफेस हो सकता है, ठीक है, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं इसमें HTML हो गया, CSS हो गया, JavaScript हो गई, PHP हो गई, तमाम तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं। उसके बाद वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट भी होते हैं, जो कि हम सर्वर पे बेसिकली काम करते हैं, उनको सर्वर का रख रखाव हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उसकी फाइलें हो गई, उनको अपलोड हो गया, SEO हो गया, तमाम तरह के इसमें काम आते हैं, करीब हजारों तरह के। ये तो खाली एक पोस्ट है, इनके अंदर जो काम होते हैं वो कम से कम 100 से भी ज्यादा तरह के काम आपके होते हैं। वेब डिजाइनिंग में भी 100 से ज्यादा आपकी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे अवेलेबल। उसी प्रकार से ऑफिस ऑटोमेशन की बात करें तो इसमें भी तमाम तरह के काम है आपका, लोगो डिजाइनर है, बैनर डिजाइनर है, पैम्पलेट डिजाइनर, टेम्पलेट डिजाइनर है आपका, विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग है और आपका लेटर डिजाइनिंग है, तमाम तरह के 100 से ज्यादा काम इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और IoT में तो आपके छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाना, डिटेल क्लॉक बनाना, वॉच बनाना, कैलकुलेटर बनाना, LED बल्ब से कोई डिजाइनिंग बनाना, ये तमाम तरह के कार्य इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको मैंने कितने सारे काम बता दिए हैं, सिर्फ ओ लेवल सर्टिफिकेट करके या ए लेवल करके आप ये सारे पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये आपको जॉब मिलती नहीं है, आपको सारी के सारी काम आपको आपको खुद जाके खोजने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपको सर्च करना है, ठीक है, सर्च करनी है, जॉब फाइंड करनी है, ठीक है, इन 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 जो पोस्ट है इनके बिहाफ पर, ये जो कोर्स है ये जो आप बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीट, उसके बिहाफ पे आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा ओ लेवल आप लोग क्यों करते हैं, ए लेवल क्यों करते हैं, आपको कहीं प्रमोशन चाहिए होता है, ठीक है, प्रमोशन के लिए काफी लोग करते हैं कि हाँ वो किसी पोस्ट पे हैं और उनको ओ लेवल मांग रहा है अलग, यानी कि किसी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, आपका परफॉर्मेंस को एडवांस करने के लिए लोग अधिकतर करते हैं। तीसरा आप लोग करते हैं इसके लिए ओ या ए लेवल। तीसरा जो है फॉर्मूला इसके लिए वो यहाँ पे लागू होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और उसके लिए आपको ओ लेवल का वहाँ सर्टिफिकेट मांगा गया, ए लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया, ग्रेजुएशन यानी कि SI वगैरह की जो वैकेंसी आती है या ARO RO की वैकेंसी आती है उसमें आपको बेसिकली ये डिमांडेबल होता है। तो इसलिए हम लोग उसको बेसिकली करते हैं, कोई भी इसलिए नहीं करता है आपका ओ लेवल या ए लेवल कि हम जैसे कर लेंगे हमको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको वैसे फाइंड करनी होती है तभी आपको जॉब हासिल होगी, वरना आप सर्टिफिकेट आपका रखा रहेगा, आप सोचेंगे कि आपके पास जॉब आएगी तो कभी नहीं आएगी। आपका अगर साल भर से ज़्यादा हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं आपको करे हुए, तो प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको जॉब नहीं मिल रही है तो इस प्रकार से आप जॉब सर्च कर सकते हैं, अपनी ही सिटी में सर्च करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको 100 जॉब आराम से आपकी अपनी सिटी में मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है, जब तक आप ढूंढेंगे नहीं तब तक आपको नहीं मिले। तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि देखिए आप ये वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अगर आपने कोर्स कर लिया SSC ओ लेवल ए लेवल आपको जॉब नहीं मिल रही, जॉब कैसे फाइंड करनी है, आपको स्टूडेंट जोन में जाना और देखिए यहाँ प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल जहाँ तक ये पोर्टल अभी इसमें बंद चल रहा है, इसमें कुछ काम चल रहा है या बंद कर दिया गया जो भी है, तो आप इस पे जाके सर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, placement.nilet.gov.in, हो सकता है अभी ये साइट ना चल रही हो लेकिन आप इसको सर्च करते रहे 1-2 महीने के अंदर। दूसरा जो लिंक है रिक्वायरमेंट का, यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए नॉट फाउंड बता रहा है, इसलिए साइट अभी नहीं चल रही, इसको आप बाद में चेक करें, 1-2 महीने बाद चल जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट का, यहाँ पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 10 सितंबर को लेटेस्ट जॉब चल रही थी, मैंने इसको बनाने थे क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन इससे मैच नहीं करी, काफी हाई क्वालिटी की वैकेंसी थी, क्वालिफिकेशन इसमें ज्यादा मांगी गई थी। और यहाँ पर देखिए 25 अगस्त को जो आपका 2nd और 3rd सितंबर को एग्जाम हुआ था, उसका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें आपका जो रिजल्ट भी देखिए यहाँ पे आपका आ गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर का था और MTS का। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट मिलता है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं इसमें। तो अगर आप भी सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं और आप जॉब करना चाहते हैं, नीलेट के साथ काम करना चाहते हैं न्यू दिल्ली में, तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई करें और इंटरव्यू दें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको रहती हैं, अप्लाई करने का फॉर्म भी रहता है,
ठीक है, तो दो ऑप्शन आपको मैंने बता दिए। आपने जो क्वेश्चन मुझको पूछा है यहाँ पे कि जॉब लग जाती, तो जॉब लगती नहीं है, आपको जाके एक प्लेसमेंट पोर्टल पर सर्च करना है और एक यहाँ पे सर्च करना है। दोनों ऑप्शन रिक्वायरमेंट पे, एक प्लेसमेंट पोर्टल पे, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तरीका। और तीसरा तरीका जो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना, तो फिर आपको उन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना होता है, यानी कि SSC है, UPSC है, अभी देखिए RO ARO की वैकेंसी आई थी, उसमें आपका O-level का रिक्वायरमेंट थे। कभी कभार होता है कि सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, O-level जैसे लिख देगा वहां पे O-level स्तर के क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे, तो O-level से मिलते जुलते जो सिलेबस है उससे आप वहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा होता है। कभी वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। ठीक है, तो अगर आपके पास है तब भी अच्छी बात है, नहीं है तब देखिए यहाँ पे अभी जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे 25 तारीख को 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि है आपका साबदुल्ला खान कंसल्टेंट में हुए हैं, और शिवानी दालमिया प्रोजेक्ट इंजीनियर में, और आशीष कुमार MTS में। 3 लोग सेलेक्ट हुए अभी, और ये वैकेंसी थी आपकी SSC बेस्ड ओ और ए लेवल बेस्ड वैकेंसी थी। ठीक है, और इसके साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी यहाँ मांगी जाती है, जो कि ग्रेजुएशन अधिकतर होती है, या फिर आपका BTech हो, BE हो, MC हो, यह सारी चीजें मांगी जाती है। ठीक है, तो यह है आपका क्वेश्चन का, सभी का मन में क्वेश्चन होगा। तो मैंने जॉब का बता दिया और क्वालिफिकेशन बता दिया, कम से कम ओ लेवल के साथ ग्रेजुएशन आपका मस्ट है। ठीक है, SSC है तो 12th पास हो रहा है, कोई टेक्निकल ITI वगैरह हो तो है। स्पेशल स्किल की बात करें तो इसमें कोई स्पेशल स्किल आपको ओ लेवल के साथ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ओ लेवल अगर आप ए लेवल कर लेते हैं तो ऑलरेडी तमाम सारे स्किल कोर्स इसमें अवेलेबल है। पाइथन है इसमें, C++ है, DBMS है, जावा है आपकी, ठीक है, और आपका क्या क्या कहते हैं HTML है, CSS है, तो लगभग सभी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है आपकी नए वाले कोर्स में, तो आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा स्किल इसके लिए नहीं चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा स्किल जब आप चलेगा, जब मान लीजिए आपने कोई DCA कोर्स किया हुआ है तो इनमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाई जाती, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ज़्यादा टैली और टाइपिंग सिखा के कोचिंग बंद हो जाती है। तो इसमें फिर आप C++ और ये जावा HTML CSS ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, तो इसको आप एक्स्ट्रा ओ लेवल में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी आपके लिए, जो भी स्टूडेंट हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो कि आपको आगे जब आप कोर्स करने की कोशिश करेंगे या करने की मन करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कोर्स कर रहे हैं क्या, उसमें हमको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जॉब तो आपको नहीं मिलती है, आपको अगर हाँ प्राइवेट सेक्टर की बात करें, मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में भी रहते हैं, तो अगर आपको प्राइवेट जॉब ढूंढनी है तो कैसे आप ढूंढेंगे, तो इसके मान लीजिए आपका 12th पास है या ग्रेजुएशन है और आप खाली बैठे हैं इस समय, या ITI किया हुआ है और प्लस ओ लेवल आपके पास है या SSC है, तो इनसे जुड़ी हुई आप टेक्निकल जॉब सर्च करें, जैसे कि डेटा एंट्री की हो गई, या कोई ऑफिस असिस्टेंट की हो गई, अटेंडेंट की हो गई, या एंट्री की हो गई, टैली अकाउंटेंट की हो गई, तो ये ऐसी जॉब आप सर्च करें। किसी शॉप में आप देख सकते हैं, किसी मॉल में देख सकते हैं, या किसी ऑफिस में देख सकते हैं, या किसी कंपनी में देख सकते हैं, तमाम ऐसी जगह होंगी आपके, या शोरूम में हो गई आपकी, या फिर सर्विस सेंटर्स में हो गई, तमाम जगह आपको ये जॉब मिल जाती है। आपको करना, आपको जाना है कि मैं तो जाऊंगा नहीं कि हर गली गली जाके मैं देखूंगा, आपको जाना है अपना रिज्यूम बना के और वहां पे सबमिट कर देना है, आपको जब अवेलेबल होगी 1 मंथ के अंदर आपको कॉल जरूर आएगी। ठीक है, यही तरीका है आपका। बाकी फेसबुक वगैरह पे तमाम पेजेस चलते हैं, ग्रुप चलते हैं, उनको आप ज्वाइन करके भी वहां से अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा जॉब सर्च करने का तरीका। जॉब आपको नहीं मिलती तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कोर्स बहुत अच्छा है आपका, एडवांस कोर्स है, आपको पता ही है ओ लेवल के बारे में, अभी आपको सिलेबस आपको मैंने बताई है, मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो बेफिक्र रहें, जॉब आपको मिलेगी, कोर्स आप कर सकते हैं, कोर्स सारे अच्छे हैं, NELET के आपके कोर्स एकदम बेकार नहीं है। एडवांस सिलेबस है ऐसा, जो सिलेबस बनाया गया है और ए लेवल का इस बार का, ये आपको किसी भी और कोई भी डिग्री या यूनिवर्सिटी के भी कोर्स कर लेंगे उसमें भी आपको, यहाँ तक कि आप BCA भी कर लेंगे उसमें भी आपको ए लेवल स्तर के कोर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, तो ये बहुत अच्छे कोर्स हैं, एडवांस कोर्स हैं, कोर्स आप करें, इनके बेनिफिट आपको मिलेंगे, और 2020 से 2021 के कैरियर की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और जिनको भी SSC ECC के कोर्स करने हैं या ओ लेवल या ए लेवल के, एडमिशन आपके चल रहे हैं, 30 सितंबर आपकी इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भर दें, एग्जाम आपके जनवरी में होंगे, R4 वालों के भी, R5 वालों के भी। ठीक है, जो डेट आएगी वो आप बता देंगे। पेपर लॉक जो आपके स्टार्ट होंगे सितंबर लास्ट है, वो आपके अक्टूबर तक आपके चलेंगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं भरे हैं वो भी सारे पेपर अपने लॉक करके उसको भर दें, इससे कि जनवरी में सारे एग्जाम आप दे पाएं। ठीक है, तो यही आपके लिए
इन्फॉर्मेशन थी। तो बेस्ट ऑफ लक, सर्टिफिकेट आपके आ चुके हैं, जिनके पुराने जनवरी वाले थे वो अपने डाउनलोड कर लें। प्रोजेक्ट जिसको नहीं सबमिट हुआ, प्रोजेक्ट जिनके दो पेपर क्लियर है वो सबमिट करवा सकते हैं, मुझको मैसेज करें 7007659485। ठीक है, तो आपकी CITS के भी एग्जाम लगे वो भी बता देना। CITS कोपा के जो एग्जाम है 17 से लगे हुए हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल, उसको आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।